पैगंबर मोहम्मद पर विवादित टिप्पणी को लेकर कई मुस्लिम देश भड़क उठे हैं। सऊदी अरब, कुवैत, कतर, ईरान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तालिबान, इन देशों की लिस्ट अब लंबी होती जा रही है जिन्होंने इस पर नाराजगी जाहिर की है। बढ़ते तनाव के बीच सबसे पहले कतर ने इस मुद्दे को लेकर भारत के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कतर ने उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू के दौरे की परवाह न करते हुए भारतीय राजदूत को तलब किया था। कतर ने इस बयान को पूरी दुनिया के मुसलमानों का अपमान बताकर प्रचारित भी कर दिया। इस कारण खाड़ी देशों, खासकर कतर में भारतीय सामानों का बहिष्कार शुरू हो गया है। लिहाजा आज की इस रिपोर्ट में हम कतर की कलई खोलेंगे और आपको बताएंगे कि भारत के खिलाफ नफरत फैलाने और सोची समझी रणनीति के तहत भारत का विरोध करने वाले इस देश के आतंकी कनेक्शन क्या है। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कतर पर तालिबान, इस्लामिक स्टेट, अलकायदा, हिजबुल्लाह, मुस्लिम ब्रदरहुड, अल नुसरा फ्रंट समेत दुनिया भर के कई खूंखार आतंकवादी संगठनों से संबंध होने के आरोप लगते आए हैं। कतर पर इन आतंकी संगठनों की फंडिंग करने और पनाह देने के लिए संदेह के घेरे में रहता रहा है। गैस समृद्ध इस राष्ट्र पर चरमपंथी समूहों को प्रायोजित करने और कुछ आतंकी संगठनों के प्रति नरम रवैया रखने के भी आरोप लगे हैं, जिससे कि मध्य पूर्व अस्थिर हो रहा है। हालांकि कतर आतंकवाद का समर्थन देने के इल्जाम को हमेशा से ही खारिज करता आया है। सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन और मिस्र ने 2017 में 30 लाख से भी कम आबादी वाले तेल और गैस के भंडार से भरे देश कतर के खिलाफ आरोप लगाया कि वो आतंकवाद का समर्थक है। कतर के साथ अपने रिश्ते तोड़ने वाले सऊदी अरब और उसके सहयोगियों ने आतंकवाद के सिलसिले में कतर से जुड़े लोगों और संस्थाओं की एक सूची भी जारी की। उन्होंने कतर से मांग की है कि वो आतंकवाद का समर्थन करना बंद कर दे। कतर की हवा, जमीन और समुद्र के रास्ते नाकाबंदी करके और कूटनीतिक रिश्ते तोड़कर इस छोटे से खाड़ी देश पर जोरदार दबाव बनाए रखा। इन देशों ने अपने राजदूतों को वापस बुलाया, कतर के राजदूतों को निष्कासित कर दिया और देश पर एक गंभीर आर्थिक नाकेबंदी लगा दी। इसके बाद यमन, लीबिया और मालदीव ने भी कतर से दूरी बना ली थी। हालांकि सऊदी अरब के कतर से रिश्ते समाप्त करने के बाद तुर्की और ईरान उसकी सहायता के लिए सामने आ गए। इससे पहले अमेरिका के विदेश मंत्रालय की एक रिपोर्ट के मुताबिक सूची में कम से कम दो ऐसे नाम थे जिनको पहले ही आतंकवाद को फंड करने वालों की अंतर्राष्ट्रीय सूची में शामिल किया गया था। 2020 में जेरूसलम पोस्ट ने दावा किया था कि आतंकवादी संगठन हिजबुल्लाह के कथित फंडिंग के लिए कतर शासन की जांच की खातिर अमेरिका ने एक टीम भी भेजी थी। अमेरिका और यूरोपीय संघ ने हिजबुल्लाह को आतंकवादी संगठन का दर्जा दिया हुआ है। हिजबुल्लाह लेबनान का शिया आतंकवादी संगठन है जिसके निशाने पर हमेशा ही इजराइल रहता है। इससे पहले जर्मनी के पूर्व विकास मंत्री गर्ड मुलर ने 2014 में कतर पर कुछ ऐसा ही इल्जाम लगाया था। जर्मनी ने यह कहा था कि कतर इस्लामिक स्टेट को फंड मुहैया कराता है। ये वही साल था जब इस्लामिक स्टेट के आतंकवादियों ने सीरिया और इराक में धर्म के नाम पर जमकर तबाही मचाई थी। सीरिया में चल रहे गृह युद्ध में भी उस पर विद्रोहियों को समर्थन देने का आरोप लगता आया है। कतर ने मुस्लिम ब्रदरहुड को भी अपना समर्थन दिया था जिससे कि दुनिया में तनाव पैदा हो गया था। तालिबान और अलकायदा जैसे आतंकी संगठनों के साथ इस देश के घनिष्ठ संबंध किसी से छिपे नहीं रहे। फिलिस्तीन के प्रतिबंधित संगठन हमास के प्रमुख खालिद मिशाल को कतर ने अपने यहां शरण दी। दो के बाद जब अमेरिका ने तालिबान को खदेड़ना शुरू किया तो इस देश ने उसके स्वागत में अपने दरवाजे तक खोल दिए। तालिबान को खुलकर समर्थन दिया और तालिबान को कतर की राजधानी दोहा में 2013 में अपना राजनीतिक कार्यालय खोलने की मंजूरी, जगह और फंडिंग सब कुछ दी। बीते साल अफगानिस्तान पर पूरी तरह से कब्जा जमाने से पहले तालिबान ने इसी कार्यालय के जरिए अमेरिका के साथ शांति समझौता किया था। सऊदी अरब को पछाड़कर कतर पूरी दुनिया में इस्लामी देशों का रहनुमा बनना चाहता है। यही वजह है कि प्राकृतिक गैस से संपन्न होने के कारण इतराने वाला ये छोटा सा अरब देश आतंकवादी संगठनों की फंडिंग करने से पीछे नहीं हटता है। लेकिन उसे समझना होगा कि भारत जैसे लोकतांत्रिक देश पर उंगली उठाने से पहले उसे अपने गिरवा में झांकने की जरूरत है। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और इस तरह की तमाम वीडियोस के लिए आप देखते रहिए टाइम्स नाउ नवभारत का डिजिटल प्लेटफॉर्म। खबरों के पीछे की खबर पहुंचाते हैं हम, आपकी आवाज को मुद्दा बनाते हैं हम।
टाइम्स नाउ नवभारत को यूट्यूब पर लाइव देखिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए।